बार में हम आपको एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में बता रहे हैं जो कि बेहद अलौकिक और बेहद ऐतिहासिक है। मैनपुरी में भगवान भोलेनाथ के कई मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जो कि प्राचीन हैं, हजारों वर्ष पुराने हैं। और इन मंदिरों की एक विशेषता है, एक खासियत है जो कि लगातार भक्तों को यहाँ खींच कर लाती है। ऐसे ही एक शिव मंदिर पर आज हम मौजूद हैं। ये शिव मंदिर नगरिया में है, जो कि बाणेश्वर महाराज के नाम से ये मंदिर जाना जाता है। इतिहास बताता है कि ये मंदिर लगभग 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पे जो अंदर शिवलिंग आ रही है, लोगों का मानना ये भी है, बुजुर्गों, इस शिव मंदिर में एक और विशेषता ये है कि इस शिव मंदिर में जो शिवलिंग है, वो शिवलिंग लोग बताते हैं कि शिवलिंग मंदिर के गेट के बाहर आ रही है। प्रतिवर्ष ये शिवलिंग जो है बाहर खिसक कर आ जाती है। पुराने लोगों का कहना ये भी है कि जिस दिन ये शिवलिंग मंदिर के गेट से बाहर आ जाएगी, उस दिन प्रलय आ जाएगी। ऐसी बातें यहाँ पे सुनने को मिली हैं, ऐसी बातें यहाँ पे जानने को मिली हैं। आज हम इस मैनपुरी के प्राचीन ऐतिहासिक वाणेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। यहाँ के लोग भी हैं जो कि अब इनके परिवार के, और इनके परिवार के जो बुजुर्ग थे, जो जिनको पुरखा बोला जाता है, वो इस मंदिर के महंत थे, पुजारी थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो एक परंपरा के तहत ये लोग यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के मंदिर के महंत माने जाते हैं। शिव मंदिर बेहद पुराना है और यहाँ शिवलिंग पर एक कुल्हाड़ी का निशान भी है। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ का एक अनन्य भक्त था जो कि भगवान भोलेनाथ की सेवा में ही रहता था, और वह किसी परीक्षा में फेल हो गया, जिससे आक्रोशित होकर उसने कुल्हाड़ी से शिवलिंग पर वार किया था। वो निशान आज भी शिवलिंग पर मौजूद है और हम इस बाणेश्वर मंदिर में मौजूद हैं। बाणेश्वर मंदिर में यहाँ के लोग जो हैं, इस मंदिर में लगातार जो लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिर के बारे में जिन्होंने अपने पुरखा और अपने बुजुर्गों से सुना है मंदिर की क्या विशेषता है, तो हमारे साथ मौजूद हैं यहीं के व्यक्ति हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आप ये बताइए पहले तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित है, कौन सी जगह है ये, और मंदिर कितना पुराना है, आपकी नज़र में लगभग कितना पुराना होगा? ये लगभग 1000 साल पुराना होगा और ये नगरिया में, पुरानी मैनपुरी के नाम से नगरिया जाना जाता है, वो यहाँ स्थित है वाणेश्वर महाराज के नाम से। ये अति प्राचीन मंदिर है। तो इस मंदिर की आपने जो सुनी है, इसकी क्या विशेषता रही है कि मैनपुरी में बेहद ऐतिहासिक और अलौकिक माना जाता है, क्या इसकी विशेषता, क्या खासियत इस मंदिर की है? ये जो शिवलिंग है बाहर की तरफ से रखा है, और ये जिस दिन गेट से बाहर हो जाएगा उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसा मानना है बुजुर्गों का। ये जो गर्भगृह में होते हैं शिवलिंग, ज़्यादातर सेंटर में होते हैं, ये सेंटर से अब बहुत बाहर है, काफ़ी बाहर की तरफ है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो शिवलिंग सभी मंदिरों में ऐसा देखने को मिलता है कि शिवलिंग बिल्कुल बीचों बीच में होती है, लेकिन इस मंदिर की जो शिवलिंग है वो गेट के पास है और एक साइड में है। ये लगभग कितना खिसक जाती है? ये लगभग हर रोज तिल तिल करके खिसकती है बहुत। तो ये शिवलिंग जो है यहाँ से गेट के पास है, आप ये कह रहे हैं, अभी आपने ये कहा कि ऐसा मानना है कि ये शिवलिंग जिस दिन बाहर आ जाएगी मंदिर की, उस दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी, क्या ऐसा आपके बुजुर्गों ने बताया है? ऐसा क्या जी? ऐसा ही मेरे बुजुर्गों ने बताया है और ऐसा ही सब लोग कहते हैं, गांव के सारे लोग ये कहते हैं कि शिवलिंग जिस दिन ये बाहर आ जाएगी। यहाँ पे हमारे साथ इस मंदिर के जो महंत थे, जो यहाँ के पुजारी थे, मंदिर की देखभाल करने वाले थे, उनके परिवार की एक महिला यहाँ पे मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछेंगे। क्या नाम है आपका? शिखा। शिखा जी, आप ये बताइए इस मंदिर की क्या विशेषता है, आपने जब से आप यहाँ आई हैं इस मंदिर के बारे में आपने क्या सुना, इस मंदिर के बारे में क्या आपने जाना, अभी तक इस मंदिर की क्या खासियत रही, ये हमें बताने को। हमारे जो चार पुरखा जो मंदिर में हमें गुजर गए, सो हमारे अब लास्ट हमें भनेज बो हम पुजारी है मंदिर की, हमने जो सुना जे धरती फर के सीख लें, धरती पर जमीन से निकारी है, जमीन से निकारी, जब जंगल थी तो जंगल में जे निकारी है पुजारी, तब तो उन्हें सपना दे हमारे जे पुजारी हमारे शिवदास थी, हमारे ससुर, उन्हें बताया, तो उन्हें जे बताया जे बाबा ने सपना दे जे हमारे इस जगह में आए कि हमारे देखो हमारे मंदिर बनवाओ, राजा तेज सिंह उन्हें बता रहे मंदिर बनवाया, जहाँ तक तो खुदा जहाँ तक तो खुदा तब तक तो उन्हें दर्शन दे निकाल ना पाए, जैसे मतलब निकाल ले तो बने खुदा बहुत खुदा पर उन्हें निकाला ना, तब तो इन्हें मंदिर बनवाई दे।
राजा तेज सिंह बता रहे मंदिर बनवा दी। तो हमारे जे गुजर लोग है हमारे शुशुर जे पुजारी थी शिवदास चार पुरखा यही खत्म हो चुकी। अब हम पुजारी है शिका। तो क्या इस मंदिर में शिवलिंग जो है शिवलिंग गेट के पास है? सभी ज्यादातर से मंदिरों में देखा जाता है कि शिवलिंग बीच में होती है, यहाँ पे गेट पे है। और ये भी बता रहे हैं कि शिवलिंग एक खेसक भी रही है, क्या ये हकीकत है? हाँ हकीकत। कैसे खेसक रहे? धीमे धीमे जे घंटे के नीचे आ गया है बहुत ज्यादा। अभी उनकी पूजा हो चुकी, पूजा होने के बाद में अभी जे उन्हें चला फिरा अंदर में करते है। आगे आते पीछे जाते, मतलब तुम अपन माप के जाइयो और फिर वे आए के तुम भूल जाइयो। इस शिवलिंग पे एक निशान पड़ा हुआ है, काफी गहरा निशान है, इस निशान के बारे में आपने क्या सुना है? जो हमने सुना जो एक बच्चा स्कूल में पेपर फेल हो चुकी तो उनने गुस्सा के मारे जैसे कुराली मारी तो फिर खून भाई बहुत खून निकला बता रहे। सो उसी कुलाड़ी के निशान है। तो आप बता रहे शिवलिंग थी और उस शिवलिंग में से खून निकलना शुरू हो गया? खून निकला हमने सुना, हमारे भैया गुजर रहे थे उनसे सुना। तो फिर उनने वही बच्चा बता रहे से पागल एकदम पागल हो चुके, पागल हो गई इतना हमने सुना है। यहाँ पे इस मंदिर की क्या खासियत है? लोग के यहाँ जो भी आता है भक्त यहाँ पे पूजा करने के लिए, जो भी भक्त यहाँ पे मांगने के लिए आता है, क्या मानते हैं कि उनकी मनोकामना पूरी होती है? पूरी होती। सावन के सोमवार चल रहे हैं तो इस मंदिर पर लगभग कितने भक्त आते होंगे, कितनी संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं? सौ पचास तो हो जाते हैं आते हैं। तो आपने सुना कि मंदिर कितना पुराना है और मंदिर कितना विशेष है। मैंने आपको बताया मंदिर की विशेषता के बारे में बताया कि शिवलिंग जो है इस मंदिर में अपने स्थान से काफ़ी दूर है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि मंदिर के अंदर आके जरा थोड़ा दर्शकों को ये बात दिखाएं कि वाकई में शिवलिंग जो है, अन्य मंदिरों में आपने देखा होगा कि शिवलिंग जो है घंटे के नीचे और बीचों बीच में स्थित होती है और ये बीच का स्थान जो है वो ये घंटे लगे हुए हैं यहाँ पे, ये बीच का स्थान जो है वो यहाँ पर आ रहा है, जबकि यहाँ पे ये बीच का निशान आ रहा है लेकिन शिवलिंग जो है यहाँ से करीब करीब 2 फीट गेट की तरफ है और शिवलिंग पर एक निशान भी है जो कि काफ़ी गहरा है, जो कि हमने अभी बात की थी तो उन्होंने बताया था कि किसी अनन्य भक्त की जब मनोकामना पूरी नहीं हुई तो उसने कुल्हाड़ी से इस शिवलिंग पे वार किया था और उसके बाद शिवलिंग में से खून भी निकला था, ऐसा सुनने को मिला है, ऐसा देखने को मिला है, लोगों ने ऐसा बताया है। तो ये एक विशेष बात है इस मंदिर की, बाणेश्वर मंदिर की ये बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल जो है शिवलिंग जो है अपने स्थान से अलग है, अपने स्थान से करीब 2 फीट गेट की तरफ है। ये भी बताया है कि शिवलिंग जब आप नाप के जाएंगे तो शिवलिंग आगे और पीछे खिसकती है, तिल तिल ये भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग जो है वो खिसकती है। और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि शिवलिंग बिल्कुल गेट के पास है, यहाँ पे शिवलिंग गर्भ में नहीं है, बीचों बीच में नहीं है और बिल्कुल गेट के नज़दीक है, ऐसा मानना है, लोगों का ऐसा कहना है कि जिस दिन ये शिवलिंग गेट के बाहर हो जाएगी उस दिन इस दुनिया में प्रलय आ जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। और ऐसे ही एक और भगवान भोलेनाथ के विशेष मंदिर पर हम आपको लेकर चलेंगे अगले सोमवार को, एक विशेष अलौकिक मंदिर के बारे में हम आपको बताएंगे। मैनपुरी के जितने भी शिव मंदिर हैं वो बेहद अलौकिक हैं, बेहद ऐतिहासिक हैं, जिनका इतिहास बेहद पुराना है, जिनकी विशेषता पुरानी है, ऐसे मंदिरों के बारे में लगातार हम बताते रहेंगे। आप देखते रहिए सत्यम समाचार, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ऐसी ही विशेष जानकारियों के लिए हमें देखते रहिए। मैं विशाल शर्मा, सत्यम समाचार, मैनपुरी।